उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तरकाशी में भी बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। गंगोत्री धाम में भी बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। माँ गंगा का धाम बर्फ की सफेद चादर की आगोश में लिपटा नजर आ रहा है। वहीं हरसिल झाला माँ गंगा के शीतकालीन प्रवास में भी बर्फबारी से मौसम सुहावना हो गया है। सुखी टॉप में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फबारी के बाद पर्यटकों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में पटवारी पेपर लीक मामले को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। कांग्रेस पार्टी पेपर लीक से जुड़े मामलों को लेकर उत्तराखंड सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेताओं ने पेपर लीक मामलों की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। दरअसल हरिद्वार प्रेस क्लब में कांग्रेस विधायक रवि बहादुर और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को लीक सेवा आयोग बताया और बीजेपी सरकार पर उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बीजेपी सरकार सीबीआई जांच नहीं करवाएगी तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी उम्र एज फैक्टर हो रहा है, उनकी उम्र निकल गई है और यहाँ पर पेपर लीक हो रहे हैं, तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाए। इसलिए कांग्रेस ने ये मन बनाया है कि वो इस लड़ाई को लंबा लड़ेगी और जितनी पुरानी भर्ती बटाले हुए हैं उनकी भी जाँच करवाने का सीबीआई से मन बनाया है और हम सरकार पर पूरा दबाव डालेंगे सड़क से लेके सदन तक कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। जैसे पटवारी ग्रुप घोटाला संज्ञान में आया, अगले ही दिन कांग्रेस ने लोक सेवा आयोग के दफ्तर का घेराव करने का काम किया। पूरे प्रदेश भर में हमने प्रदर्शन करने का काम किया। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने स्तर पर धरना प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करने का काम किया और आज फिर सरकार ने लीपापोती करते हुए कुछ दिन परीक्षा टालने का काम किया। लेकिन हमने कुछ दिन टालवाने की बात नहीं कही थी, हमने कहा था कि जाँच होनी चाहिए और जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, जब तक इस प्रदेश के नकल माफिया की कमर नहीं तोड़ दी जाती, जब तक सब सलाखों के पीछे नहीं हो जाते, तब तक युवाओं को हमारी संस्थाओं पे भरोसा पुनः जागृत नहीं होगा और तब तक हमें परीक्षाएं नहीं करानी चाहिए। हमारी ये मांग थी और हमारी मांग थी कि सीबीआई जांच हो और हम लगातार इन मांगों को लेकर के लड़ाई आगे भी लड़ेंगे और निरंतर इस लड़ाई को हम सड़क पर भी लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि इसकी सीबीआई जांच करानी होगी। जोशीमठ की पीड़ा जोशीमठ के लोग ही जाने। आपदा और आपदा के बाद पलायन का दंश ऐसा है जो पहाड़ को भी रोने पर मजबूर कर देता है। उत्तराखंड में जिन लोगों के घर रहने लायक नहीं रह गए हैं वो अब पलायन करने को मजबूर हैं। अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर जोशीमठ छोड़ने को मजबूर हैं। जोशीमठ के प्रभावित इलाके अब सुनसान लगने लगे हैं। नजर आ रहा है तो बस कभी भी गिरने को तैयार घर और उन घरों पर पड़ी मोटी मोटी दरारें। फिर आने का मन करेगा आपका जोशीमठ? फिर आने का तो यार जाने की मन नहीं कर रहा, आने का तो मन तो करेगा ही। ठीक रहा तो हम आज आएंगे, यहाँ तो छोड़ना है नहीं हमें। क्या हमारा जो रोजगार था यही था, हम जा रहे हैं यहाँ से मायके। कितने जाने का मन नहीं कर रहा, क्या करें, जाने पड़ेगा। कितने सालों से थे आप जोशीमठ? हम 15-20 साल से थे। कितना दुख हो रहा आपको इस वक्त जोशीमठ? क्या कहेंगे आप इस विषय को लेकर? उत्तरकाशी में विजिलेंस की टीम ने पशुपालन विभाग की डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। मामला नौगांव का है। आरोप है कि डॉक्टर मोनिका गोयल ने बकरी लोन की सब्सिडी की राशि रिलीज करने के एवज में 8,000 रुपए रिश्वत ली है। मामले की शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस की टीम ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस को शिकायत मिली थी जिसके बाद विजिलेंस टीम ने गोपनीय तरीके से मामले की जांच करने के लिए ट्रैप टीम बनाई और आरोपी डॉक्टर को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी डॉक्टर मोनिका गोयल साल 2011 से उत्तरकाशी में पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात है। रुड़की की सिविल लाइन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने दो नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर उनके साथ मसूरी के होटल में गैंगरेप की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल एक शख्स ने दो नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसके बाद पुलिस ने दोनों नाबालिगों को पिरान करियर से बरामद कर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों नाबालिगों ने दुष्कर्म की जानकारी पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि तीनों आरोपी रुड़की के सिविल अस्पताल में अस्थायी तौर पर काम करते थे।
रुड़की कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत निवासी दो किशोरियों के घर से गुमशुदा होने के संबंध में एक तहरीर कोतवाली रुड़की पर प्राप्त हुई थी। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई करते हुए उक्त दोनों किशोरियों को थाना करियर क्षेत्र अंतर्गत से बरामद कर लिया गया था। उनसे पूछताछ पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि तीन युवक उन्हें अपने साथ ले गए थे और उनके द्वारा किशोरियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में आई है। दुष्कर्म का भी मामला सामने आ रहा है सर। इसमें उक्त किशोरियों के द्वारा अपने साथ दुर्व्यवहार किए जाने की बात स्वीकार की गई है और इसी आधार पर न्यायालय में उनके आगे बयान कराए जाएंगे और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चंपावत में पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। एक नाबालिग छात्रा 20 दिसंबर को लापता हुई थी, लेकिन करीब एक महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस लापता छात्रा का पता नहीं लगा सकी है। लोहाघाट के विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वे मामले को लेकर एसओ से मुलाकात करेंगे और नाबालिग छात्रा को जल्द बरामद करने की मांग करेंगे। हम पुलिस को निर्देश तो क्या दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ की पुलिस तो महान पुलिस है, क्योंकि इनको पूरी लोहाघाट में दारू का इतना व्यवसाय फल फूल रहा है जी को यदि नहीं, और वहाँ जहाँ खूब दारू बिक्री वहाँ तो इनकी व्यवस्थाएं फिट हो जा रही है, कहीं 10 पुए मिल जा रहे थे उसके पीछे पड़ जा रहे हैं बेचारे। और 20 दिसंबर से हमारी एक बिटिया गायब है और उसकी ढूंढ-खोज नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं एक बार एसओ से बात करूंगा। अगर एसओ ने मुझे निर्धारित समय दिया कि इतना समय आप दीजिए और इसमें हम क्या उनसे पूछूंगा भी कि आप अभी तक आपने इसमें क्या व्यवस्था करके क्यों नहीं मिल पा रही है, उनसे बात करूंगा। बात करने के बाद फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि मैं ये इसकी। उधम सिंह नगर की गदरपुर पुलिस ने किडनैपिंग की गुत्थी को सुलझा लिया है। सूरजपुर गांव से एक युवक की किडनैपिंग मामले में पुलिस ने हल्द्वानी से मुखौनी चौकी में तैनात दारोगा के बेटे और एक निलंबित कांस्टेबल समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने युवक का अपहरण करने के बाद 5 लाख की फिरौती मांगी थी, लेकिन 80,000 मिलने के बाद किडनैपर्स ने युवक को रुद्रपुर फ्लाईओवर के नीचे छोड़ दिया था और मौके से फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये हमें जानकारी में आई कि कुछ लोगों द्वारा इनके भाई नूर अली को पकड़ के और उसको बिठा के और पुलिस का रौब दिखाकर, एसओजी का और पुलिस का रौब दिखाकर उसको गिरफ्तार, मतलब उसको पकड़ लिया गया, उसको अपहरण कर लिया गया। बाद में वादी पक्ष को फ़ोन कर लिया गया कि हम पुलिस में हैं, यदि हमें नहीं छुड़ाते हो, यदि हमें पैसा नहीं देते हो तो 5 लाख रुपए की रकम मांगी गई, इधर हमें पैसा नहीं देते हो तो तुम्हें बंद कर देंगे, ऐसा कर इस प्रकार की करा। तो ये डर गए और बाद में ये बात करने गए तो फिर 50,000 की फिरौती भी दिया गया। बाद में जो है उनको बाद में जो है उस पैसे को लेके वो कुछ गायब हो गए और 2 लोग जो है पकड़ में आ गए मौके पर, ठीक है ना। और जो है उसके अलावा जो है इन्होंने पैसे का रकम देकर, रकम देने के बाद उन्होंने उसको छोड़ भी दिया। बाद में हमें इन्हीं को, वादी पक्ष को ही 2 लोग ये चिन्हित हो गए, तो 2 को वहीं पर मौके पर पकड़ लिया। तत्काल उन्होंने फोन पुलिस को फ़ोन भी कर दिया। तो इस प्रकार की घटना जो है बहुत ही हैरतन है और बहुत संवेदनशील है। इसको अत्यंत संवेदनशीलता के साथ मेरे द्वारा लिया गया और हमारी पूरी टीम द्वारा लिया गया, क्योंकि एक तो पुलिस का नाम जुड़ रहा था, तो तत्काल हमने विभिन्न टीमें गठित कर दिया गया और इन सबको पूछताछ करने पर पता चला कि हमारा ही एक निलंबित कांस्टेबल है संदीप पाटनी, वो और उसके साथ ही 4-5 लोग हैं, इनके द्वारा ये साजिश रचाई गई।